हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ रसमलाई की ये रेसिपी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स आप ध्यान में रखिए तो ये परफेक्ट बनेगी। आप मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, इसे पूरा देखिए तो आपके द्वारा बनी हुई रसमलाई भी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। रसमलाई के पेठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर काउ मिल्क लिया है। काउ मिल्क में फैट कम होता है, इसलिए आप पेठे बनाने के लिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप वही लें। अब इसमें एक अच्छा उबाल आने देंगे। इसका हमें छेना रेडी करना है। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून विनेगर लिया है। हम दूध को फाड़ लेंगे। इसे ऐसे ही चलाते हुए रखना है, नहीं तो ये नीचे तली में बैठ जाएगा और चिपक जाएगा, जिससे इसका टेस्ट खराब होगा। देखिए, छेना लगभग अलग हो चुका है। आप इसे पनीर भी बोल सकते हैं। पनीर बिल्कुल अलग हो चुका है। अब इसे हम छान लेंगे। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेनर लिया है, उस पर एक कॉटन का क्लॉथ रखा है। अब इसे मैं छान लूंगी। इस पानी से आप आटा गूंथिए, आपकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट आएगी। अब इसे मैं ठंडा पानी डालूंगी ताकि विनेगर का खट्टा टेस्ट वॉश आउट हो जाए और ये पनीर भी थोड़ा ठंडा हो जाए। फिलहाल ये गरम है, लेकिन हमें इसी स्टेज पे इससे पानी रिमूव करना है। इसका सारा पानी हम रिमूव कर देंगे अच्छे से निचोड़ के। इसका सारा पानी निकल चुका है। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें इसे रख देंगे। ये हल्का सा गर्म ही होना चाहिए, तभी ये वाली प्रोसेस करेंगे हम। अब यहाँ पर हम हाथों की हथेली की हेल्प से इसे अच्छे से मस लेंगे, जिसमें इसके सारे जो बारीक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो मिट जाए और एकदम सॉफ्ट हो जाए। इस प्रोसेस में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। यहाँ पर अच्छे से इसे मलना है, एकदम ये सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही अलग हो चुका है। अब इसके हम पेठे बनाएंगे। मैंने यहाँ पर राउंड शेप दिया है और उसे थोड़ा चपटा किया है। आप चाहे तो आप छोटे छोटे शेप में भी इसे बना सकते हैं। गुलाब जामुन बनाते हैं वैसे ही सेम लेना है और हथेली की हेल्प से उसे चपटा कर देना है और किनारों को बराबर कर देना है। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। आप देख सकते हैं, मैंने पहले इसको राउंड किया है, अब हाथों की हेल्प से इसे चपटा कर दूंगी और इसके कॉर्नर्स को भी अच्छे से शेप दे दूंगी, तो एकदम ये राउंड शेप में दिखेगा। सारे पेठे बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इन्हें हम पकाएंगे। इसके लिए हमें चाशनी बनाना है। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप शक्कर ली है। अब मैं इसमें 3 कप पानी ऐड कर दूंगी। चाशनी हमें एकदम थिक नहीं रहने देना है, इसमें ये एकदम पतली होना चाहिए। आप समझ सकते हैं, जैसे कि शक्कर को घोलना और एक उबाल आने तक इसे पकाना है बस। जैसे ही चाशनी में उबाल आएगा, तब हम पनीर के बने हुए पेठे इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से कुक करेंगे।
हमने 15 मिनट के लिए इसमें बॉईल करना है। पहले ये हाई फ्लेम पर बॉईल होंगे, इन्हें चलाते रहना है बीच बीच में ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक गए। मैं इसे ढक दूंगी। 15 मिनट में ये बनके बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये साइज में थोड़े फूल चुके हैं। अब 2 घंटे के लिए इन्हें ऐसे ही ढक के रख देंगे, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर हम रस मलाई के लिए रबड़ी रेडी करेंगे। रबड़ी का टेक्सचर थोड़ा थिक होता है, हमें इसे थोड़ा पतला रहने देना है। मैंने यहाँ पर 2.5 लीटर बफेलो मिल्क लिया है। यहाँ पर आप बफेलो का मिल्क यूज़ करें। जैसे इसमें एक उबाल आता है, इसमें केसर ऐड करेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड किया है मैंने, इसको मैंने शुगर में पीस लिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर ऐड की है। इसके कॉर्नर्स पे मलाई अगर चिपक रही है तो उसको निकालते जाएं। ये रबड़ी में एक अच्छा टेक्सचर देती है। आप देख सकते हैं मिल्क उसकी क्वांटिटी से हाफ हो चुका है। हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, ना इससे ज़्यादा मोटा चाहिए। जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने पे। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हम प्लेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम मलाई सर्व करेंगे, उसके ऊपर हम रस ऐड करेंगे। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और केसर गार्निशिंग करेंगे। अब इसको हम फ्रिज में 4 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे रस मलाई का रस पूरा मलाई में आ जाए और ये एकदम सॉफ्ट एंड टेस्टी लगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।